हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू मेबेलिन फिट मी का फिनिशिंग लूज पाउडर, लूज फिनिशिंग पाउडर जो कि अभी नया नया आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये है कैसा। अभी तक मैंने भी इसे यूज़ नहीं किया है। ये कुछ इस तरीके का होता है और जो मेरा शेड नंबर है वो है 15 लाइट। और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे। और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 700 है, मतलब 695 रुपीज़ है। इसमें आपको जो वेट है इसका, ये 20 ग्राम आपको मिल जाता है। और इसमें जो लिखा है ये आप विद फाउंडेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हो या विदाउट फाउंडेशन भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब कि डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश की मदद से आप इसे यूज़ करें तो इसका अच्छा फिनिशिंग टच आएगा। तो देखते हैं ये है कैसा एक्चुअल में, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसे यूज़ करके नहीं देखा है। ये कुछ इस तरीके से खुलता है, इस टाइप से। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे और इसमें आपको एक टेप मिल जाती है, काफ़ी टाइट है ये। मैंने ये टेप जो इसमें लगी थी वो रिमूव कर दिया। आप चाहो तो इसे यूज़ करके दोबारा से लगा सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में या कहीं हम जाते हैं तो अगर ये बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो ये गिर जाता है और यहाँ काफ़ी सारा आ जाता है जिससे ये वेस्ट हो जाता है। तो आप इसे बाद में लगा सकते हो या केयरफुली आप इसे रख सकते हैं। तो देखते हैं ये एक्चुअल में कैसा है। इसे मैं इस बॉक्स में निकाल लूँगी थोड़ा सा। पहले मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, इसका शेड है कैसा। मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से मंगाया है तो ठीक है। 15 नंबर है इस शेड का। इसमें कोई भी शिमर या ऐसा एज सच कुछ भी ग्लिटर नहीं है, ये बिल्कुल जेड मैट लुक देगा आपको। अब देखते हैं ये अप्लाई करने में कैसा है। मैं इसे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये आपको बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हमने वाइट सा पाउडर पोत लिया है। बहुत सॉफ्ट है ये, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं लग रही है मुझे अपनी स्किन पर। तो ये इस तरीके का लगेगा, बिल्कुल नेचुरल लुक दिया है इसने, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ वाइट सा पाउडर लगा लिया हो। आप पास से भी देख सकते हो, ऐसा कोई एक्सेस पाउडर नहीं दिख रहा है। और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत लाइट वेट है। अब मैं ब्लशर और लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लग रही है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उन लोगों के लिए ये लूज फिनिशिंग पाउडर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है तो मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा। और इससे जो स्किन काफ़ी सॉफ्ट मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ ड्राइनेस फील हो रहा हो।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो इसका फिनिशिंग है वो बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है, और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन लग रहा है आपका फेस। आप इसे फाउंडेशन के बाद भी यूज़ कर सकते हो, और डायरेक्टली भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। मेरा शेड है 15, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप सभी को भी ये अच्छा लगे, ये रिव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, या आपको किस तरीके के टॉपिक पर वीडियो मुझे बनानी चाहिए आप उस पर भी लिख सकते हो। तो ये था आज का रिव्यू मेबेलिन फिट मी का लूजिंग पाउडर पर। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे। फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ। जिस किसी के भी साथ आपको पसंद है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे भी मेरी जो अपडेटेड वीडियोस है, न्यू वीडियोस है जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो सभी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।